देख रहे हो हैं, अरुण फ्लेक्स कर रहा है कि उसके पास गोल्ड की चेन है। किधर फ्लेक्स है, वो डुप्लीकेट है। सच में? सच में डुप्लीकेट है वो। हाँ, मुझे लगा असली चेन लेके घूम रहे डेनमार्क में कि देखो भाई मैं तो अमीर हूँ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपको लेके आए हैं रानी के वेकेशन हाउस में। रानी का वेकेशन हाउस नहीं है ये, उनका मेन रेजिडेंस है स्प्रिंग के लिए और ऑटम के लिए। और जो बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, और इवन जो इंटरनेशनल्स आते हैं विजिट करने को डेनमार्क, उनको यहाँ पे होस्ट किया जाता है। तो ये मेन रेजिडेंस है उनका। किंग फ्रेडरिक्स फोर्थ ने ये पैलेस बनवाया था एज अ लीजर या प्लेजर पैलेस कह सकते हैं, मतलब वो यहाँ पे रिलैक्स करना चाहता था क्योंकि शहर में बहुत भीड़ भाड़ है और कोई वहाँ रहना नहीं चाहता हमेशा, है ना। तो उस पर्पस से ये पैलेस बनवाया था। तो ये पैलेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। और जो नॉर्दर्न ये वाला रीजन है ना, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, यहाँ पे भी बहुत सारी वॉर्स होती थी। तो जब एक वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नॉर्थ वॉर, 11 साल के लिए, जब वो एंड हुई वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई जो मालमो वाला रीजन है उसकी सेटलमेंट हुई, मतलब पीस स्टैब्लिश हुआ। और वो जो ट्रीटी थी वो इस पैलेस में साइन हुई, इसलिए इसका नाम भी रख दिया फ्रेडरिक्सबो पैलेस। आपको पता है डेनमार्क की मोनार्की वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, जापान की सबसे पुरानी है 600 कुछ में, और इनका जो राज शुरू था वो था 900 में। बाप रे कितने सालों से राज कर रहे हैं, है ना। वैसे अब जो रानी का रोल है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा से नहीं है पार्लियामेंट में, पर जो रूल्स पास होते हैं वो रानी के साइन के साथ होते हैं हमेशा। डेनमार्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसका मतलब है कि जो राजा या फिर रानी है वो पॉलिटिकली अपने आप कुछ रूल्स नहीं बना सकते। जो भी रूल्स बन रहे हैं कंट्री के लिए वो पार्लियामेंट में ही पास होते हैं। जो रानी है उसका रोल वैसे ही है जैसे प्रेसिडेंट का अपने वहाँ। जो फ्रेडरिक्सबो पैलेस है ना, उसका जो पहला ही वर्ड है फ्रेल, उसका मतलब होता है पीस। और इस पैलेस को कई बार पीस पैलेस भी बोल देते हैं क्योंकि जो ट्रीटी थी ना वो वाली, जब नॉर्थ वॉर एंड हुई थी और एक ट्रीटी साइन हुई थी शांति के लिए इस वाले रीजन में, वो यहीं पे साइन हुई थी। और उसकी मेमोरी में ये एक मेमोरियल भी बना रखा है इन्होंने, पीस मेमोरियल कहते हैं इसको। तुम उधर गए हो क्या? किधर? जो एमिली बॉस पैलेस है कोपेनहेगन में, जो रानी का दूसरा रेजिडेंस है। देखा तो है मतलब बाहर से, अंदर हाँ? नहीं गया कभी। अच्छा, अंदर जाने के लिए तो वैसे भी एक तो एंट्री फीस लगती है और तब नहीं जा सकते जब वहाँ पे रानी हो। अब मैं जीवन के उस मुकाम पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैंने देख लिया है बेहतरीन डेनिश आर्ट। ये देखो, भेड़ है कि इंसान है, इंसान है कि भेड़ है, कुछ नहीं पता। आप ऊपर से देखोगे भेड़ लगेगा, नीचे देखोगे नुन्नू। ये तुम्हें चॉकलेट तो ओके, बनाना चॉकलेट, आई विल हैव बनाना चॉकलेट। दीपू, व्हाट डू यू वांट, बनाना चॉकलेट? नो, आई कैन हैव बनाना चॉकलेट। देन बताओ फिर, स्ट्रॉबेरी, ओके, एंड वनीला एंड कैरेमल। कैरेमल? अगर आप दीपू की तरह हमेशा वॉशरूम ढूंढते रहते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो पैलेस के एकदम पास में वॉफल हाउस है और उसकी बैक साइड में ही वॉशरूम्स हैं। कितना सही से मेंटेन कर रखा है ना इन्होंने गार्डन को, ऐसा लग रहा है पत्ती काट काट के लेवल कर रखा है। सब आपका ही तो टैक्स का अमाउंट है, इसी को यूज़ कर रहे हैं। हाँ चलो, यूज़ तो सही से कर रहे हैं और हमें आने भी तो दे रहे हैं पास से। ये मानना पड़ेगा कि थोड़ा तक लोगों को भी अलाउ करते हैं। हाँ, ये वाला सारा का सारा पब्लिक के लिए ओपन है, आप वॉक करने आ सकते हो, रनिंग करने आ सकते हो, डॉग के लिए, डॉग के साथ भी आ सकते हो। बस थोड़ा सा जो गार्डन एरिया है वो रॉयल फैमिली के लिए रिजर्व्ड है, जैसे आई थिंक ये वाला जो एरिया है ना वो रानी रहती है अंदर। आई गेस यही होगी क्योंकि ऑटम चल रहा है। अच्छा, देखना है क्या, मिलना है, अपॉइंटमेंट ले लें। रानी की पोती रहेंगी तो थोड़ा ज्यादा।
पोती में इंटरेस्ट है। पुराने टाइम पे जो राजाओं का गार्डन है वहाँ पे सिर्फ भगवानों की मूर्ति लगी होती थी, लेकिन यहाँ पे इस गार्डन में एकदम जो नॉर्मल बंदे हैं ना उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। वो क्यों? क्योंकि एक नॉर्वेजियन मेलमैन था जो कि अपने फ्री टाइम पे लकड़ी से मूर्तियाँ बनाता था, और वो जो राजा था उस टाइम का, उसकी नज़र में वो मूर्तियाँ आ गई, उसको बड़ी पसंद आई, तो उसने उस मेलमैन को 70 मूर्तियों का ऑर्डर दे दिया। वो 70 मूर्तियाँ धीरे धीरे करके इस गार्डन में लग गई। अब ये दर्शाती हैं कि उस टाइम पे लोग रहते कैसे थे, कैसे पहनावा था, कैसे टूल्स यूज़ करते थे। जैसे कि आप ये देख सकते हो, लग रहा है कि हंटर मैन है, कैसी उसकी बंदूक है, कैसा पहनावा है, जूते देखना कितने अलग हैं। थोड़े दिन पहले भी आए थे हम यहाँ रानी के महल पे अपने डेनिश दोस्त के साथ, लंबे वाले के साथ, आपने देखा होगा उसे हमारी दूसरी वीडियोस में, येंस है उसका नाम। और उसने इतना स्ट्रेस दे के बोला ना कि एक कैफ़े है यहाँ पे लेक के साइड में, वहाँ पे क्या केक मिलता है, क्या कॉफ़ी मिलती है, बिल्कुल इतनी तारीफ़ करी। एक तो डेनिश, ऊपर से उसने कुछ रिकमेंड किया तो मतलब सीरियसली लेना बनता है क्योंकि केक्स अच्छे बनाते हैं ये। हमने कहा भाई चलो। फिर उस दिन हम यहाँ पे पहुँचे, अनफॉर्चुनेटली उस दिन बंद हो गया था। आज फिर से आए हैं यहाँ पे, किस्मत से खुला है, देखते हैं कैसा केक है, कैसी कॉफ़ी है, और फिर मैं आपको बताता हूँ। रही बात कॉफ़ी की, कॉफ़ी उस दिन अच्छी थी पर केक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उसे? हाँ, वाइन ले लो, उसमें से कड़वापन निकाल दो, बकबकापन रहने दो, थोड़ा सा उसमें मीठा मिला दो, थोड़ा सा उसमें क्रीम मिला दो, और थोड़ी सी मिला दो रेत।